नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या सरयू नदी में आज जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। रही बात माझा की तो हम देख रहे हैं कि वहां भी चारों तरफ जलमग्न है, लेकिन बंधा बनने से यहां के निवासियों को काफी राहत है। यहां रहने वाली एक महिला अनामिका यादव ने बताया कि मैं यहां 35 साल से रह रही हूं। पहले हम लोगों को बाढ़ आने पर घर छोड़कर हाईवे की तरफ भागना पड़ता था, किंतु आज बंधा बनने से हम लोगों को बहुत राहत है। समस्या सिर्फ जानवरों के चारे की होती है, जो कि चारा मिलने में काफी दिक्कत है। उसके कारण हर और पानी ही पानी है, भूसा भी बहुत महंगा है और अभी तक रेवेन्यू से कोई भी लेखपाल या कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया कि यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, यहाँ के लोग जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि ऐसे लोगों को जो गरीब परिवार के हैं, उनके जानवरों के चारा के लिए भूसा उपलब्ध कराने का प्रबंध करें। नदी खड़े हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि खतरे के निशान से कुछ ही बचा हुआ है, लगभग खतरा निशान क्रॉस कर चुका है, 1 मीटर से कम ही बचा हुआ है शेष। आप देख सकते हैं पानी कहाँ तक पहुँच चुका है, पुलिया दिखाइए वहाँ देख सकते हैं कि स्थिति ये है कि बाढ़ जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है, पानी बहाव तेज है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे आप दिखा सकते हैं कि पेड़ पौधे किस तरह से बह रहे हैं, किस तरह से बहाव है और खतरा जो है वो बरकरार है, बना हुआ है। गांव की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि आज पूरी तरह से जो है यहाँ पे धान होगा या गन्ना है सारे नष्ट हो रहे हैं। अभी तो अकाल पड़ा था, पानी का अकाल पड़ा था, उसके बाद जो है आज जो है पानी का जो है बहाव दे रहा है। इसे सैकड़ों बीघा क्या है, हजारों एकड़ जमीन जो है गन्ने का धान का ऐसा नष्ट हो रहा है और पानी बहाव एक दूसरा जान देख रहे हैं कि पूरा जलमग्न है और खतरे निकान निशान से ऊपर पहुंच रहे हैं, लगभग 1 मीटर बचा हुआ है। और इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी अयोध्या, इसमें मैं अयोध्या पुल के नीचे हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति पानी का है और पानी के बहाव जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। पानी अभी बिल्कुल लय में है, बिल्कुल प्रभाव में है और जिस तरह से इसका जलमग्न है हो रहा है, ये बहुत बुरी स्थिति आ रही है और बड़ा खतरा भी हो सकता है। जो जिस तरह से गांव बह चुके हैं, तमाम गांव माझा जत बिल्कुल जलमग्न हो चुका है और आप यहां देख सकते हैं कि कहाँ मतलब दूर दूर आप जितनी दूर देखेंगे पूरा पानी ही पानी जो नज़र आ रहा है। आप उस तरफ वहाँ पर घूम कर दिखाई इधर वहाँ भी देख सकते हैं कि बिल्कुल कटरा और ये सारी जगह जो है वो पूरा पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो स्थिति ये है कि आज मौसम भी जो है बदलता हुआ आ रहा है, दिख रहा है निरंतर पानी का वेग बढ़ रहा है और ऊपर से भगवान इन दिनों भी पानी की बारिश जो है निरंतर करते चले आ रहे हैं। आज 3 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है और मानसून जो है वो बोल रहा है कि लगभग ये कल भी इसी तरह से छाया रहेगा और पानी की जो है बारिश होने की संभावना भी है। और इसमें आप जो देख रहे हैं कि स्थिति ये है कि इस तरह से बहाव से जल जो है पूरा गांव से जलमग्न हो रहा है, गांव खाली हो रहे हैं। इनकी भी हम स्थिति अगर देखें कि वहाँ के जो है जानवर भी हैं, वहाँ के मानव भी जितने लोग हैं, तमाम ऐसे स्थानों में लोग गाँव छोड़ के भाग रहे हैं और अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ रुका जाए, क्या स्थिति है और गवर्नमेंट यहाँ पे आज किस तरह से व्यवस्था करा। अभी हम चल रहे हैं गांव भी देखना चाहते हैं कि वहाँ पे जो यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो क्या व्यवस्था कर रहा है, गांव के जो है किसानों का, वहाँ के जो है निवासियों का, जानवरों की स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है, उनकी भी आज जो है उनके चारे का बड़ा बहुत बड़ा अभाव है, बच्चे लोगों के खाने का अभाव पड़ रहा है क्योंकि जो पानी का बहाव एकाएक आया उसके कारण जो है लोग अपना मकान घर छोड़ भाग चुके हैं, लोगों का घर जो जलमग्न हो चुका है, लोगों की काफ़ी गृहस्थी जो है इस पानी में बह गया है। तो आज मैं जो है मैं चलना चाहता हूँ अभी माझा की तरफ मैं चलूँगा जहाँ पे ये स्थिति आप देख रहे हैं कि जहाँ क्या स्थिति है वहाँ पर लोगों का जो है किस तरह से रह रहे हैं, मैं भी आपको चल के दिखाता हूँ। इस समय हम आ गए हैं धर्मपुरवा जहाँ पर आप माझा है और माझा एरिया ये है, आप देख सकते हैं ये टोटल पूरा माझा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाढ़ निरंतर जो है कितना बिल्कुल प्रभावी है, पानी यहाँ पे कितना भरा हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और ये आप जितनी दूर देख रहे हैं सारा जो है अभी हम नदी में थे और वहाँ पे बाढ़ जो बहाव था यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे दिख रहा है बहाव, उस पेड़ के आगे जो है बहाव निरंतर बह रहा है क्योंकि पानी का वेग ज़रूर धीमा है, वहाँ से तो था स्पीड में था लेकिन यहाँ धीमा नहीं बहाव है और पानी के निरंतर बहाव आप देख सकते हैं। अगर जूम कर देखा है तो बहुत हल्का वहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहाव वहाँ पे बहुत तेज़ी है, जिस तरह से वहाँ से झाड़ झंखाड़ बहते हुए जा रहे हैं वो देखा जा सकता है
और ये पानी का बहाव है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को जो है माझा के जो निवासी थे उनके लिए जो है ये बंधा जो बना है ये वरदान साबित हुआ, नहीं तो ये पूरा माझा जलमग्न हो जाता था। लोग जो है यहाँ से भागने को जो है हो जाते थे, भागते थे, यहाँ घर छोड़ भागते थे, घरों में उनका रखा सामान बह जाता था और काफ़ी क्षति होता था। लेकिन जब से आप दिखाई जब से बंधा बना है और ये तो सड़क भी बन गया है, बंधा बाद सड़क बन गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर राहत मिला है बंधा से। गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा स्कीम किया यहाँ बनाया कि जो बंधा बना दिया, और बंधा बनने से लाभ तो मिला है यहाँ के लोगों को। और आप देख सकते हैं चूँकि ये जब बंधा नहीं था, सारे माझा एरिया है ये, जहाँ पर लोगों के पक्के मकान बने हैं और आज उनको जो है बहुत राहत मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तमाम जो है झोपड़ी हैं और मकाने बने हुए हैं, और इस तरह से पूरा जो है काफ़ी एरिया में जो है वो आप देख सकते हैं। और अगर ये बात पुल बंधा ना होता तो निश्चित ही ये पानी जो है यहाँ से और यहाँ पहुँच जाती और जहाँ पर एक बाढ़ का खतरा हो जाता, लोगों को लोग जो है घर छोड़ने बाध्य होते। तो इसमें जो है यहाँ के जो है जिला प्रशासन को बधाई के पात्र है, शासन बधाई पात्र है कि ऐसे समय में और इस जो है लोगों को राहत दिया है बंधा बना करके। और ये एक रास्ता जुड़ता है जो पूरा बाजार वगैरह जाता है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ की है। और लोग यहाँ पे बहुत ही आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें एक जो भैंस चला रहे थे यादव जी थे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हाँ पहले जो है स्थिति होती थी, हम लोग घर छोड़ भाग जाते थे, लेकिन आज जो है सिर्फ एक समस्या है यहाँ के लोगों का कि जो है उनके पशु जो है भैंसे जो हैं गाय जो है उनके लिए चारा की व्यवस्था नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ यही साधन था जहाँ पे चारा मिलता था, ये लोग चरी बोया करते थे अपना। और आप देख सकते हैं वहाँ पे गन्ना खड़ा हुआ है, तमाम ऐसे स्थानों पे आपको गन्ना दिखेगा, थोड़े थोड़े स्थान पर वहाँ भी गन्ना बोया गया है। और वो सामने देख सकते हैं जूम करके दिखाई भाई, तो वहाँ गन्ना बोया है और ऐसे यहाँ पर चरी बोया जाता है, चूँकि अब सब जलमग्न हो गया है, नहीं दिख रहा है। और इसी तरह जो है आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है जगह जगह पर चरियाँ थी या जो गन्ने ना बोए होते थे, इसी का जो चारा लोगों को जानवर मिलता था और खाते थे, लेकिन आज बाढ़ आने के कारण जो है वो भी ख़त्म हो गया है। अब इनके जानवर जो है वो उनके लिए जो है चारे की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। और यहाँ बाकी तो जो हमारे हम देख रहे हैं कि कितने लोग आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितने सुकून से हैं, चूँकि जो है दिमाग में हमेशा रहता था कि बाढ़ आ जाएगा छोड़ के भागना पड़ेगा। और लेकिन अब लोगों के पक्के मकान भी हो गए, पहले झोपड़ी हुआ करते थे, और आप यहाँ देख सकते हैं झोपड़ी आज भी है, कहीं कहीं झोपड़ियाँ हैं जो इनके लिए जानवरों के लिए है या स्वयं भी रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस समय आज धर्मपुरा में खड़ा हूँ, जहाँ मैं यहाँ देख रहा हूँ, और इस तरह से पानी का जो है बहाव जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। स्थिति क्या होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज जो भी है यहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत सुकून की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और जानवर का अभाव है, बस एक समस्या यही है। बाकी यहाँ पे हम तो समझ रहे हैं कि लगभग सभी लोग सुकून से हैं अपने, और कहीं कोई कोई ख़तरा नहीं दिख रहा है कि पानी का बहाव जो है या बाढ़ वहाँ पर जाएगा और वहाँ से भागने को बाध्य होंगे। महिला खड़ी हैं जो अनामिका यादव हैं, यहाँ पे रह रही हैं, और इनका जो है एक कहना था कि यहाँ पे बंधा बनने से इनको बहुत राहत है, नहीं तो पानी यहाँ से वहाँ पहुँच जाता था। तो मैम आप बताइए आपका नाम? अनामिका यादव। हाँ। तो आप यहाँ कब से रह रही हैं? अरे हम 30 साल से रह रही हैं। हमारे यहाँ ससुराल है ना। अच्छा, आपका ससुराल ही है। तो घर कहाँ पड़ता है आपका? नहीं, यहाँ पे घर कहाँ पड़ता है? किनारे। अच्छा, तो मकान पक्का हो गया आपका? छप्पर कच्चो है, पक्को दोनों है। तो अब पानी का कोई खतरा नहीं है? कुछ बाढ़ आता था, लोग भागना पड़ता था और आपका सामान नहीं, नहीं, होते थे? नहीं, जैसे यही गोरु बच्चों को दिक्कत यह है, अब गांव में पानी नहीं हलते काज घोर बोली। उसका कारण क्या है? ये बंधा? हाँ, बंधा बन गया, पानी चला जाता रहा। अच्छा, तो आज आपका बहुत सुकून से इतनी जल्दी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत है जानवरों के चारा के लिए? हाँ, बहुत दिक्कत है। तो कहाँ से कैसे आप मैनेज करती हैं, कैसे पाते? अबे भूसा उसा खरीद के रखा था, सब खाते। अच्छा, और नहीं तो सब कुछ चरत रहे सब। अच्छा, और ले जा सब बांध। अच्छा, बाढ़ पीढ़ी से कोई आपके अधिकारी कर्मचारी आए, लेखपाल वगैरह आए कि पूछने की क्या दिक्कत है क्या नहीं? भाई सबसे क्यों नहीं पूछे। अच्छा, तो अभी हम अनामिका यादव बात कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि जब से ये बंधा बन गया है बहुत राहत है, और 30-35 साल से यहाँ रह रही हैं, और ये पानी यहाँ से वहाँ जाता था तो ये लोग यहाँ से भागने को बाध्य होती थी, लेकिन बंधा बनने से काफ़ी राहत है, बहुत सुकून है। और बाईपास पे लेकिन एक ही समस्या है इनके पास जो बता रही थी, वो जानवरों के लिए चारा के है, लेकिन उसमें भूसा खड़ी के देती हैं, और अभी तक किसी भी
यहाँ पे कोई ऐसा अधिकारी या जो है वो कर्मचारी रेवेन्यू से नहीं आया है कि जो इनके हालचाल पूछने आवे, इनके जानवरों की स्थिति पूछने आवे कि कोई बीमारी ऐसा नहीं है, क्योंकि डेंगू का इसमें बहुत प्रभाव बहुत तगड़ा चल रहा है। और लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी, चूंकि बाढ़ आप देख सकते हैं दिखाई सर्किट की, बाढ़ स्थिति जो इस समय है भयानक है, भयावह स्थिति है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू का अभी तक कोई नहीं है। वो इंतजार करती है, प्रशासन में इंतजार करती है कि कब बाढ़ आवे, कब कितने लोग यहाँ से भूमिगत हो जाएं, कितने लोग मर जाएं, कितने जानवर नष्ट हो जाए, तब वो वहाँ पे उनके कान में जू रेंगती है, तब वो फॉर्मेलिटी पूरा करने आते हैं, कोरम पूरा करने आते हैं। तो ऐसे भी हमने अनामिका यादव से हमने बात किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ये लोग बहुत सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।